तो जय श्री राम सभी को। रात में मैं रुका था होटल हार्दिक में। चलते चलते रात हो गई थी और रात में रुकने के लिए भी कुछ जगह नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे होटल मिला एक। उसी होटल में रुके थे। यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे जिस वजह से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रहा टाइम से। तो बस आराम करके जगह अभी नहाएंगे और जाएंगे। कंबल से तो निकलने का जी नहीं कर रहा है, इतनी ठंड हो रही है। तो बोल सियापति रामचंद्र की जय। मेरे खांसी भी हो जय रही है, थोड़ी यहाँ पर दुख रहा है। तुलसीपति रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम सभी भाइयों को। रात में चलते चलते ना बहुत अंधेरा हो गया था, और साथ ही साथ में जो ट्रक वगैरह है उनसे एक्सीडेंट होने का भी डर था। और रात तो हो गई थी, साथ साथ में ठंड भी, प्लस में थक भी चुके थे। तो गूगल मैप ऑन किया, गूगल मैप में मिला होटल हार्दिक। होटल हार्दिक में आए, उन्होंने बिल्कुल पैसे लेने से मना कर दिया। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया हमारे लिए। खाना लेके आए, तो हम कुछ नहीं कर रहे, ये सारा इंतजाम श्री राम जी करते हुए जा रहे हैं हमारे लिए। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम सभी को। यही है जो होटल है, होटल हार्दिक, जिसमें हम कल रात में रुके थे। तो बहुत ही बढ़िया होटल है ये, बहुत ज़्यादा। इनने हमें सम्मान दिया और पैसे भी नहीं लिए, और खाने पीने का भी अरेंजमेंट करवा रहे हैं। तो बोल सियापति रामचंद्र की जय। ऐसे ही राम भक्त हमें रास्ते भर में मिलते रहते हैं, तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है हम, और ज़्यादा हमारे अंदर जिज्ञासा आती है जाने की, और किसी चीज़ को जानने की कि आगे जाके और क्या मिलेंगे और कैसे कैसे लोग मिलेंगे। तो बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम सभी को। हम निकल चुके हैं सुबह सुबह, बुलंदशहर को हमने क्रॉस कर लिया है, और हार्दिक होटल में रुके थे रात में। रात में हमने हार्दिक होटल में स्टे किया था, और भैया और धीरज हम सारे जय चल श्री रहे राम। हैं रात में। बहुत अच्छे से इनने हमारी खातिरदारी की, बहुत ज़्यादा सम्मान जय दिया। श्री राम सभी भक्तों को। जय श्री राम। हाँ जय श्री राम। जी ओके, आपकी बात मान लो, वो बाद में रिलेशन में निकल गए। गोस्वामी नहीं, आनंद से अगला कह रहा हूँ, आनंद से अगला था। कैसे हो भैया? जय श्री राम। जय श्री राम। कितना चलते हो भैया? हम 30-35 चलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सबदेव चौधरी भैया हमसे मिले और इन्होंने हमें भव्य स्वागत करा। इससे बढ़िया सम्मान और कुछ नहीं चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। हम पहुंचे थे बुलंदशहर। बुलंदशहर पे दो भैया मिले हैं। भैया खुश हो ना राम मंदिर बनने पे? भैया आपका स्वयं सुख है, आपको देखते हैं बहुत खुश है। बहुत प्रमंद है भैया। जय श्री राम जी, कृपा बनाए रखिए। बहुत अच्छा। जय श्री राम सभी को। आ जाइए, मेरा पांचवा दिन दिल्ली से अयोध्या तक की पैदल यात्रा में, और मैं निकला हूँ दिल्ली उत्तम नगर से। आज ये मेरा पांचवा दिन है, जिसमें से मैं 150 किलोमीटर के करीब चल चुका हूँ, और मैंने बुलंदशहर पार कर लिया है। और मेरे को पुल पे ही दिखे, यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग थी, पुल पे देखिए एक महात्मा जी जो कि लेटते हुए यात्रा कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। इनसे पूछते हैं कहाँ पर जा रहे हैं। तो जय श्री राम सभी को। हम जा रहे थे दिल्ली से अयोध्या तक की पदयात्रा हमारी उत्तम नगर से, जो कि करीबन 700 किलोमीटर है। पर रास्ते में ही बाबा जी दिखे, गुरु जी, जो कि रामेश्वरम जा रहे हैं गंगोत्री से, जो कि करीबन 4000 किलोमीटर होता है, 4000। और वो भी ये लेट के कर रहे हैं। गुरु जी इस यात्रा को क्या बोलते हैं? दंड यात्रा की जा रही है। अष्टांग योग दिखा सकते हैं नीचे। इसी के सहारे गुरुजी जा रहे हैं। अभी तक गुरुजी कितने किलोमीटर चल चुके हो आप? 700 किलोमीटर चल चुके हैं, और ये पूरी यात्रा 4000 किलोमीटर की होनी चाहिए, होने वाली है। और हमारी तो पैदल चलने में हालत खराब हो रही है, गुरुजी तो पैदल दंड यात्रा कर रहे हैं। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम सभी को। हमने बुलंदशहर को तो पार कर लिया है, और ये हमारा आज है पांचवा दिन। जेवर 20 किलोमीटर है, अलीगढ़
अलीगढ़ है जो कि 48 किलोमीटर पड़ रहा है यहाँ से, और खुर्जा 3 किलोमीटर। रुकनपुर हमें आज रात रुकना है, क्योंकि जो भैया हैं हमारे साथ चल रहे हैं उनकी रिश्तेदारी में ही एक जगह पड़ती है, तो उन्हीं के घर पे आज रात का इंतजाम है हमारी व्यवस्था। चाचा ढाबा नाम है, इस ढाबे पे हमें विश्राम करना है आज के लिए। वैसे आज 5 तारीख हो चुकी है, मैं 1 तारीख 1 जनवरी को निकला हुआ हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम सभी को। हम आए थे अयोध्या, तो हम घर से ना लेके आए थे मैगी की पैकेट, और यहाँ पे आके मौका मिला मैगी खाने का। मैगी बनाई है गरम गरम भैया ने, ये भैया हैं पीछे। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया जी को भी धन्यवाद बहुत बहुत। चम्मच धोखा भैया की, मैंने काटे वाली चम्मच ले ली तो भैया कह रहे धोखा। श्री राम सभी को। हम आए थे खुर्जा में, हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला, सारे नॉन वेजिटेरियन था। तो अभी बनाई है मैगी, दिल्ली से ही लेके आए थे हम, अभी अवसर प्राप्त हुआ हमें बनाने का, वो भैया जी ने बनाई है। भैया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम के भक्त हैं हमें, हम शिव जी के भक्त हैं, किसी चीज़ से नहीं डर लगता। रोड पे नहीं, यही होगा सुनता, चिता जल रही है भाई, वो देखना है। 1, 2, 3, 4 सारे एक साथ लागे थोड़े जलाएंगे। अरे भैया क्या हो गया, भैया की हालत डाउन हो रही है अभी। अरे बस चलना है अभी, 10 किलोमीटर रह गया है जहाँ पे रुकना है। जय श्री राम, जय श्री राम। बस श्री राम बेड़ा पार लगाएंगे, राम बेड़ा पार लगाएंगे। छाले ने आज वाट लगा दी, चलने नहीं दे रहा बिल्कुल भी, मगर हम छाले को मात देंगे आज। जय श्री राम। बस श्री राम का जयकारा लगाते हुए पहुँच जाएंगे। बोल श्रीमती रामचंद्र की जय। श्री राम सभी को। चलते चलते बहुत हालत खराब हो गई है, अब एक कदम ऐसे लग रहा है जैसे 10 किलोमीटर चल रहे हूँ, और जहाँ पे मैं चल रहा था वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये देखो सामने चाचा ढाबा पहुँचना था, आज जो हमारे स्टे है वो चाचा ढाबा में है, और चाचा ढाबा में हम पहुँचने वाले हैं। बस मुश्किल से 50 मीटर। बोल जय श्रीपत रामचंद्र की जय। बहुत ज़्यादा हिम्मत मिल रही है बोर्ड देख के। तो जय श्री राम सभी को, जय श्री राम। भैया जो थे उनके घर पर जा रहे हैं रात ठहरने।